नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देहरादून के डोईवाला में दो दिन पहले आए लव जिहाद और हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के मामले में डोईवाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां आरोपी युवक अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। लेकिन आज हिंदूवादी संगठन ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल शर्मा और प्रभारी निरीक्षक राकेश शाह से मुलाकात कर लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले और साथ ही लव जिहाद के आरोपी अरमान अंसारी के परिवार पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देवभूमि में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं और लव जिहाद के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसे हिंदूवादी संगठन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये था कि जो उसकी अभी अरेस्टिंग, अभी एक ही बंदे की अरेस्टिंग हुई, जो आरोपी है उसके परिवार की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। तो अभी हमने ये किसी साहब से, इंचार्ज साहब से बात करी, तो उस लड़की का 164 के होंगे बयान, उसके बाद उसकी जो है जो और लोग हैं बाकी उनकी अरेस्टिंग हो पाएगी। जो है उसका है, इन्होंने आतंक मचा दिया इस देवभूमि उत्तराखंड में। लव जिहाद, लैंड जिहाद, स्मैक जिहाद और अब नया गेम जिहाद भी आ गया। अब लड़के भी जिहाद में पढ़ रहे हैं। अभी तक तो लड़कियाँ ही फंस रही थी, अब हमारे लड़के भी फंस रहे हैं। तो मैं उन जिहादियों को कहना चाहता हूँ, या तो वो उत्तराखंड छोड़ दें या जिहाद छोड़ दें। अगर ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमें बाध्य होना पड़ेगा सड़कों में आने के लिए। पानी बिल्कुल हमारे गले से ऊपर निकल चुका है। अब हमें जो करना है हमें करना है, फिर हम कुछ नहीं देखेंगे। प्रशासन इस चीज़ को नहीं रोकता है तो हम उग्र रूप से प्रशासन को, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। मैं विशेष तौर पर राज्य सरकार को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने जिस प्रकार से हम लोगों पर रोक लगाया, इस प्रकार से रोक ना लगाएं, और अगर इसे हमें परेशान करेंगे इस प्रकार से तो हम फिर बाध्य हो जाएंगे आपके खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए। कार्रवाई की थी, जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन जो उसके सहायक थे जैसे उसकी माँ बुआ जो भी थी उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इसी कारण हम कोतवाली में आए थे, सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब ने कहा है शीघ्र उसमें जाँच चल रही है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।